back to our channel and with a new vlog. तो इस बार बहुत दिनों बाद मैं लेके आई हूँ मित्रा हॉल. सो इस बार मैंने फिर से वही 5 पैकेट मंगवाए और इस बार मैंने ऑर्डर किए हैं बेहतरीन से बेहतरीन शूज और बहुत ही कलरफुल शूज मैंने ऑर्डर किए. मतलब अपनी चॉइस से तो मैंने बहुत ही अच्छे ऑर्डर किए हैं. तो शूज में हम ना दो क्वालिटी जो है जो मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ वो है एक तो बिल्ड क्वालिटी कैसी है कि शूज कैसा है दिखने में कैसा है और कितना अच्छा है कितना स्टेबल है. दूसरी चीज जो मैं हमेशा से प्रेफर करती हूँ वो होती है सोल. एटलीस्ट वो डालने में बहुत ही कंफर्टेबल हो. तो यहाँ पे हमारे 5 पैकेट आ चुके हैं जिसको मैंने अभी तक खोला नहीं है. एक एक करके पैकेट खोलते और देखते कैसा है. बहुत ही बढ़िया. पहला वाला तो मेरा बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैंने कहा था ना मैंने कलरफुल शूज ऑर्डर किए हैं. तो फर्स्ट जो है मेरा आर्टिकल है वो है ये और जो काफी अच्छा लग रहा है काफी कलरफुल लग रहा है. अगर पड़ेगा भी ना मुंह पे तो वो भी कलर इसके छप जाएंगे उस पे. तो मैं ऐसे आगे आगे दिखा देती हूँ पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहेगा क्योंकि मैंने बैक कैमरा कर रखा है. सो ये है हमारा पहला आर्टिकल. बहुत ही सुंदर कलरफुल है यार बहुत ही अच्छा लग रहा है. पीछे से ये थोड़ा ऐसा है आगे से ऐसा है. तो पहली बात करते हैं हम अब बिल्ड इसकी बिल्ड क्वालिटी की कैसा है. है तो काफी अच्छा लग रहा है. मतलब आगे से और मतलब काफी सही लग रहा है. मुझे अगर मैं पकड़ रही हूँ ना तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कोई ऐसे ही शूज है. काफी अच्छा लग रहा है और अंदर से सोल इसका सोल मुझे हल्का सा हार्ड लग रहा है बट एक बार पहन के ट्राई करके देखते कि कैसा लगता है. मेरा जो पैर है मेरे पैर के हिसाब से साइज काफी जो है वो बड़ा है बट काफी वैसे अच्छा लग रहा है. इसका सोल भी जो है नीचे से वो जो है काफी हील इसका बहुत बड़ा लग रहा है बट देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो ये पहला वाला अच्छा है. थोड़ा सा इसका सोल का वो है थोड़ा मतलब ना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है बट वैसे काफी अच्छा है तो इसको ले सकते हो. तो दूसरा हमारा आर्टिकल है ये वाला चॉइस कर ढूंढते हुए थोड़ा सा मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि सबके बेस वाइट हैं. मतलब अभी दो खुले हैं उनके बेस वाइट हैं बट कलर दोनों के अलग अलग हैं. अब आप एक ही जैसे तो मंगाओगे नहीं तो मुझे भी तो डिफरेंट मंगाने पड़ेंगे. तो बिल्ड क्वालिटी पहली बात है बिल्ड क्वालिटी की. मुझे ये भी जो मतलब शूज जो है ना 39 है मुझे ये भी बड़ा पड़ने वाला. मुझे एक्चुअली छोटा लेना चाहिए था तो मैं चॉइस करूंगी इसमें मैं एक छोटा वाला ऑर्डर कर लूंगी. बट अगर इसका कलर और इससे कंपेयर करें तो कलर इसके थोड़े मतलब उसके कंपैरिजन में कम है बट वैसे काफी अच्छा है. और सोल के हिसाब से सोल इसका भी थोड़ा हल्का हार्ड है. और बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों की सेम है बट ओवरऑल वैसे काफी अच्छा लग रहा है. लेसेस भी इसके अच्छे लग रहे हैं. तो ये जो है और ये दोनों की बिल्ड क्वालिटी सेम है तो मैं दोनों एक बार पहन लेती हूँ. इसका दूसरा पैर मुझे खोलना पड़ेगा. दोनों पहन के दिखा देती हूँ तो दोनों आप देख लो कि कौन सा वाला जो है आपको अच्छा लग रहा है. ओ मैं आधी कट गई होंगी कैमरे में. ओह लेसेस इसके अंदर चल गया. मुझे तो ये जो मैंने लेफ्ट पैर में डाला ना मुझे ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ना इसके कलर्स भी अच्छे लग रहे हैं. प्लस मुझे पर्सनली ना जिनका सोल जो है थोड़ा ऐसे मोटा होता है ना मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं. तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी सेम है और तो इसीलिए मैंने जो है एक साथ कंपेरिजन के लिए डाले हैं. तो है हम अपना थर्ड वन. तो थर्ड जो है आर्टिकल वो है ये वाला. अलग अलग पैकिंग की है तो पैकिंग इन्होंने एक ही उसमें डाल के दे दी जैसे कोई सूट की पैकिंग कर रहा है. अलग अलग शूज को अलग अलग पैक करके दो. तो ये है बिल्कुल वाइट इन कलर. तो अभी मैं शूज को थोड़ा देख रही हूँ. वैसे देखने में तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था लेकिन मैं इसको तो बिल्कुल ही मना करती हूँ. बताऊँ क्यों. मैं पता नहीं मैं पहन के दिखा दूंगी. मे बी एक आधा प्रोडक्ट को ही ऐसा हो सकता है. हर प्रोडक्ट तो जिससे नहीं आ सकता ना आपको डिलीवर हो सकता. मैं क्यों बता रही हूँ और पहले ही क्यों बता रही हूँ बिकॉज आप देख रहे हो ये पॉलिथीन है और ये इसी के अंदर ही पैकेजिंग हो गई है इसकी. इसीलिए जो है ये मैं देख रही थी कि मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया ये ऐसे कैसे हो गया. तो कुछ ऐसा है इसमें. ये तो प्रोडक्ट वैसा का वैसा मुझे रिटर्न करना है. बाकी अब हम बात करते हैं बिकॉज सेम आपको प्रोडक्ट ऐसे ही डिलीवर नहीं होने वाला है. तो मैं दूसरे वाला जो है शूज खोल लेती हूँ.
दूसरे में भी ऐसा लग रहा है। ओ ओके, तो ये आपको ये निकालना पड़ेगा। सॉरी, अच्छा ये आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगा ऐसा कुछ इन्होंने प्रोडक्ट तैयार करने में प्रॉब्लम कर दी है। तो व्हाइट कलर मैंने ये एक चॉइस में इसलिए रखा क्योंकि जब आप व्हाइट पहनते हो ना तो नजर सिर्फ व्हाइट पे जाती है। तो सबसे पहली बात करते हैं सेम वही बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आर्टिकल लग रहा है मुझे। मुझे खोलते ही डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी, समझने में टाइम लगा कि वो चीज उतारनी है। तो इस वाले शूज की भी अगर बात करें तो ये आपको उतारना पड़ेगा इस तरीके से, और ये शूज बिल्कुल ठीक है। तो काफी शूज अच्छा, और हाँ वेट भी काफी ज्यादा लाइट है इसका, काफी ज्यादा लाइट है, अच्छा लग रहा है काफी शूज। और मतलब अगर आप डालोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ मतलब शूज डाल भी रखे, बहुत ही हल्का लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, प्लस इसका जो अंदर अगर मैं हाथ लगा रही हूँ तो सोल भी अच्छा लग रहा है। तो ये जो दो शूज मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये वाले ये दोनों मतलब ये कलर में काफी अच्छा है, लेकिन ना ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि ये पहनने में बहुत अच्छे है। तो मैं ज्यादा देर नहीं करती हूँ, इसको डालती हूँ क्योंकि बहुत ही हल्के लग रहे हैं डालने में। ये वाला भी मैं खोलती हूँ, एक ही साथ खोल देती हूँ सारे। वीडियो इतनी बात करते करते सोचती हूँ छोटी रखनी है, लेकिन बात करते करते मैं बड़ी रखती हूँ। और ये वाले स्पार्क्स के हैं, ये मुझे काफी अच्छे लग रहे थे तो इसलिए मैंने ये वाले ऑर्डर कर दिए। बाकी ओ वाह, ये हमारा है सेकंड आर्टिकल, ठीक है, और सॉरी फोर्थ आर्टिकल। और बाकी मैं लास्ट पैकेट एक बार खोल देती हूँ, तो उसमें से जो है ना कंपेयर करने में मुझे बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा। दिल खुश हो गया मेरा, अब ये वाला खोलती हूँ। ये है मेरा फिफ्थ आर्टिकल। तो बिल्ड क्वालिटी मेरे दोनों की ही सेम होगी। तो सबसे पहले हमने बात की थी इस वाले शूज की, और अब मैं बात करती हूँ इस वाले शूज की। तो इस वाले शूज में भी कलर अच्छा लग रहा है, कलर काफी अच्छा लग रहा है, सूदिंग सा कलर है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, ग्रे विद ऑरेंज काफी अच्छा लग रहा है। तो और इसको मैं देखूं तो मुझे दोनों सेम लग रहे हैं, काफी हल्के हैं शूज, काफी अच्छे रहेंगे पहनने में। और अगर मैं इसकी भी बात करूं तो सेम क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी इसकी भी और सोल क्वालिटी इन दोनों में से इसकी बहुत अच्छी है। पर ये वाला पहन के मैं आपको दिखा देती हूँ, दोनों एक ही मतलब एक ही शूज पहनूंगी मैं। ये ज्यादा मजा आ रहा है शूज की वीडियो बनाने में क्योंकि बैठ के वीडियो बनानी पड़ती है। नाइस, काफी अच्छे लग रहे हैं यार, बहुत अच्छे लग रहे हैं पहनने में, बहुत ही सुंदर, बहुत। मैं सच में बता रही हूँ आपको, वो दोनों शूज को आप छोड़ो यार, ये बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं पहनने में। मैं इनके ना एक तो सबसे अच्छी बात यह है लेसेस ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, जिनके लेसेस बड़े बड़े होते हैं ना मुझे पहनने में भी मजे नहीं आते, छोटे छोटे लेसेस है, खुलेंगे भी नहीं और बार बार जो है चलते हुए नीचे अटकेंगे भी नहीं। मुझे सच में मुझे पहनने में ना बहुत मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने ना फॉर्म के किसी गद्दे पे पहन रखा है, बहुत ही अच्छा है। 10/10 है इसको, 10/10। अब हम चलते हैं अपने लास्ट के दो आर्टिकल की तरफ। सो मैं ये वाला डालती हूँ, तो दोनों के दोनों मैंने एक एक जूता एक एक पैर में डाल लिया है। और सबसे पहले तो बांधते हुए बताऊ कि ये ना सबसे पहली चीज तो मुझे कलर कॉम्बिनेशन इनका बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, ग्रे विद दिस ऑरेंज एंड ये वाला। ये ना मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ना जब मैंने इसको पहना है ना, और ये जो मेरे पूरे पैर को ऐसे कवर कर रहा है यार, ये चीज मुझे बहुत अच्छे लग रही है। मतलब यहाँ से ऐसे ना टाइट सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि इसने ना ग्रिप ली हुई है, होल्ड किया हुआ है मेरे पैर को, तो मुझे ना काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था कि ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पहनने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी ये भी अपनी जगह काफी अच्छा है, तो साइज लेकिन मुझे मेरे पैर के हिसाब से साइज थोड़ा बड़ा है। सबसे ज्यादा चीज जो प्रेफर मैं करती हूँ और करनी चाहिए, एक बिल्ड क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस जो है आपका सोल अच्छा होना चाहिए। तो दोनों में ये दोनों परफेक्ट हैं, और कलर भी दोनों के काफी अच्छे हैं, और बहुत मजा भी आ रहा है पहनने में। सो ये थे हमारे पांच आर्टिकल जो मैंने आपको शूज के दिखाए, विच आर अंडर 999। सो अब हम इनको रेटिंग देते हैं कि कैसे हैं, ठीक है, बना हुआ जूता। सो सबसे पहले रेटिंग तो मुझे पता है आप खुद ही जान गए होंगे कि मैंने किस किस को कितना कितना भाव दिया है। तो सबसे पहले जो मुझे डिफेक्टिव लग रहे थे, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर दूंगी इसे, पहनने में बहुत अच्छे, सोल इनका अच्छा, कलर इनका अच्छा, पहनने में मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो फर्स्ट नंबर तो मैं दूंगी इसको। और
सेकंड नंबर पे जो मुझे अच्छे लगे ये इज बिकॉज ऑफ इसकी ग्रिप काफी अच्छी है और पहनने में नहीं मोटे मोटे नहीं है, मतलब ये थोड़े इसका सोल कम है तो उस हिसाब से आगे से काफी लंबे हैं, तो ये मुझे सेकंड नंबर पे मुझे ये अच्छे लगे। कलर कॉम्बिनेशन इतना जमा नहीं मुझे, लेकिन पहनने में मुझे ये काफी ज्यादा अच्छे लगे। थर्ड नंबर अगर मैं दूंगी तो थर्ड मैं इनको दूंगी, क्योंकि इनका कलर कॉम्बिनेशन प्लस इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड सॉफ्टनेस तो सेम है, मतलब इन दोनों की सेम है, इसकी लाजवाब है। सो थर्ड नंबर मैं इसको दूंगी। फोर्थ नंबर मैं दूंगी इसको, इस बिकॉज ऑफ बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कलर अच्छे हैं, सोल अच्छा है, और बट इनके कंपैरिजन में मुझे ये थोड़ा सा कम लगा, तो इसको मैं फोर्थ नंबर दूंगी। बाकी दूंगी मैं फिफ्थ नंबर इसको, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ खास ऐसा लगा नहीं। आई होप आपको जो ये कलेक्शन है वो अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छी लगती हो। मिलती हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो में अनदर हॉल के साथ, या फिर आप लगे रहो, कुछ भी आ सकता है, मेरे काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं, बस किसी रुकावट की वजह से हो नहीं पा रहे हैं। बाकी और मैं अच्छी वीडियो लाला के आपको दिखाऊंगी, मिलूंगी और कुछ अच्छा कंटेंट लेके आऊंगी। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, स्टे ब्लेस्ड एंड सब्सक्राइब करो बाद में इस ब्लॉग को। बाय।